वन्य जीवों में हिरण एक ऐसा जानवर है जो इंसानों के पास आना तो दूर आहट सुनते ही भाग जाता है। लेकिन जैसलमेर में लाठी क्षेत्र के कोरालिया गांव में हिरण के एक बच्चे को एक मुस्लिम परिवार ने पाला है। हिरण की मां को आवारा कुत्तों के द्वारा मौत के घाट उतारने के बाद परिवार ने इस हिरण के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। हिरण के बच्चे को परिवार ने 5 महीने तक अपने बच्चे की तरह परवरिश करते हुए गाय का दूध पिलाकर जिंदा रखा और उसे मुस्कान नाम दिया। 5 महीने बाद जब परिवार ने उसे वन विभाग को सौंपा तो पूरे परिवार का दिल भर आया। परिवारजनों से हिरण के बच्चे को इतना लगाव हो गया था कि वो पूरे दिन परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते रहता था। थोड़ा दूर चले जाने पर जैसे ही मौजूद परिवार उसे उसके नाम से पुकारते तो वो दौड़ते चले आता। जन्म के करीब 5 महीने बाद से ही हिरण के बच्चे से उसकी माँ बिछड़ गई थी। परिवार के मुखिया हाकिम खान ने बताया कि उसने मादा हिरण के बच्चे को बोतल से दूध पिलाकर जिंदा रखा। अब वो तंदुरुस्त होकर चहलकदमी करने लगा है। हिरण का बच्चा इतना चंचल है कि कुछ ही दिनों में वो हमसे घुल मिल गया और उसका डर खत्म हो गया। वो उस बच्चे को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे हैं। हरणी केराली गांव में 3-4 महीना पहले ब्योती नर दो जाना छोरियों ने मिलियो तो मैं ले आया। दूध भी जो पायो करो सेवा करी आज थारे बनी बागाड़ आ गया अलविदा करनो यन दे दो। परिवार का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमले के डर के चलते उन्होंने वन विभाग के कर्मियों को सूचित किया। हिरण के बच्चे को वन विभाग के भंवरलाल बिश्नोई सुखलाल बिश्नोई को सुपुर्द किया जा चुका है। जब मुस्कान को वन विभाग के कर्मी लेकर जा रहे थे तो पूरा परिवार उसे छोड़ने बाहर तक आया। परिवार को उसके जाने का दुख तो था लेकिन साथ ही खुशी थी कि जंगल में वो महफूज रहेगा और उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। परिवार ने हिरण के बच्चे को जीवन दान देकर मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। परिवार की ममता और प्यार के चलते ही हिरण का डर भी खत्म हो गया। आसपास के लोग भी इस मुस्लिम परिवार की काफी तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।